हट सरकार का है या विपक्ष का, ये साफ नहीं है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि चूना जनता को लग रहा है। यूपी विधानसभा के शीत सत्र का दूसरा दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। सरकार और विपक्ष लग रहा है विधानसभा को भी चुनावी चौसर समझ रहे हैं, जहां मुद्दों पर बहस की बजाय सिर्फ माहौल बनाया जा रहा है। विपक्ष के हंगामे पर गुस्साए सीएम योगी ने विधानसभा को बंधक बनाने का आरोप लगा दिया। आखिर कौन जनता की उम्मीदों पर आघात कर रहा है? सपा का जो विकास नहीं चाहता उत्तर प्रदेश का, ये जहरीला कॉकटेल है, ये विकास विरोधी लोग हैं। ये है यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन की शुरुआत भी पहले दिन की ही तरह हंगामे के साथ हुई। अरे ये इस्तीफा दे। विपक्ष के नेता राम गोविंद चौधरी और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना के बीच बिजली के मुद्दे पर बहस हो गई, जिसके बाद विधानसभा की कार्यवाही पहले 12:20 तक स्थगित की गई और उसके बाद भी जब हंगामा नहीं रुका तो सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। प्रदेश की कानून व्यवस्था समेत बिजली के बढ़े हुए दामों पर विपक्षी विधायकों ने हंगामा किया और सदन में ही धरने पर बैठ गए। मांग की कि बिजली की बढ़ी हुई दरें तत्काल प्रभाव से वापस ली जाए, जिसके बाद संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने आश्वासन दिया और धरना खत्म करवाया। इनका भी समय बर्बाद कर रहे हैं। ये हमने वापस धरना नहीं लिया है, हम बिजली हुए दर जो बढ़े हुए हैं उसको लेकर काफी गंभीर हैं। ये फैसला किसान विरोधी है, जन विरोधी है, आम विरोधी है, व्यापारी विरोधी है, छात्र विरोधी है। हम इस सरकार से लगातार नियमों के तहत विधानसभा में लगाकर चर्चा कराकर इस बढ़े हुए दर को वापस कराना चाहते हैं, लेकिन सरकार अड़ियल रुख अपनाए हुए है। पहले से समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, पूरा विपक्ष, बहुजन समाज पार्टी सरकार से मांग कर रही है कि विद्युत दरों को तुरंत वापस लीजिए। सरकार अड़ियल रवैया अपनाई हुई है। सदन सवेरे से अभियोजित है 7:00। वहीं विपक्ष के हंगामे पर सीएम योगी आदित्यनाथ भड़क उठे, कहा कि विपक्ष ने विधानसभा को बंधक बना लिया है, 47 लोगों के लिए पूरी विधानसभा बंधक हो जाए ये गलत है। साथ ही सीएम ने यह भी कहा कि विपक्ष इसलिए हंगामा कर रहा है क्योंकि उसे डर है कि अगर सदन में काम हुआ तो विपक्ष का वंशवाद खत्म हो जाएगा। समाजवादी पार्टी अपने किसान विरोधी चेहरे को लेकर के, लोकतंत्र विरोधी चेहरे को लेकर के फिर से सदन की कार्रवाई को बाधित कर रही है। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से चुने गए 355 से अधिक सदस्यों के हितों पर सीधे सीधे कुठाराघात कर रही है। इस प्रकार से सदन की कार्रवाई को बाधित करते हुए, और इसलिए मैं विनम्रता से कहूंगा कि सरकार हर प्रकार के मुद्दों पर चर्चा करने को तैयार है, उसका उत्तर देने को तैयार है, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से हम हर मुद्दे का जवाब देंगे, लेकिन अगर कोई इस तरीके से विधानसभा को बंधक बनाने का प्रयास करेगा तो मुझे लगता है कि इसके बारे में आसन को इस पर स्वयं विचार करना चाहिए और इस बारे में कदम उठाने चाहिए। प्रतिपक्ष प्रमोक कर रहे हैं अपने लोगों को हल्ला मचाने के लिए, ये मर्यादाओं को तार तार करने की कोशिश नेता प्रतिपक्ष के द्वारा की जा रही है। ये अशोभनीय है, ये निंदनीय है। ये किस ऊंचा लोकतंत्र की बात करते हैं? नेता सदन बोल रहे हैं और ये लोग हल्ला मचा रहे हैं, और हल्ला मचाने के लिए लोगों को प्रमोक कर रहे हैं। इससे पहले सत्र के पहले दिन भी समाजवादी पार्टी के साथ बसपा, कांग्रेस, राष्ट्रीय लोकदल ने मिलकर बिजली की दरों को बढ़ाने के विरोध में हंगामा किया, जिस वजह से पहले दिन की कार्यवाही भी हंगामे की भेंट चढ़ गई थी। वैसे में सवाल यह है कि सत्ता पक्ष के हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार होने के बावजूद भी विपक्ष चर्चा से क्यों भाग रहा है और हंगामे पर क्यों अड़ा है? ये हंगामा क्या विपक्ष के लिए जरूरी है या उसकी मजबूरी? ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस।